आप मिराजुद्दीन हैं हाँ सर। हाँ और अनंतनाग कश्मीर से। मेन कंप्लेन बैकएक और नवंबर से सडन वीकनेस बोथ लोअर लिम्स, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, पार्शियल फुट ड्रॉप, प्रॉब्लम इन यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। तो मिराजुद्दीन, आपने वेट को लिफ्ट किया था? हाँ सर। हाँ वेट लिफ्ट किया था, जिम सर, जाते थे? एक जिम नहीं जाता था, मेरा दुकान है वहाँ, थोड़ा काम जो है भारी, थोड़ा भारी होता है। तो पहले नवंबर में हुआ ये, तो फिर कितना मैंने वेट लगभग उठाया? 50 kg था। 50 kg। हाँ सर। फिर और उस वेट उठाने के बाद से लगने लगा कि मेरे को वीकनेस है, तो बहुत दर्द हुआ सर, और दोनों पैरों में दर्द था। पहले ये हिप पे, पहले इस वाले हिप पे, फिर वो इस पे चला गया। फिर चल पा रहे थे या नहीं चल पा रहे थे? तो उस टाइम तो चल पा रहा था, फिर फिर कितने दिन बाद से बिस्तर पे आ गए? सर 1 महीना 1 महीने से कंप्लीट बेड रेस्ट? कंप्लीट, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता लोकल था। डॉक्टर्स को दिखाया, हाँ सर। क्या बोले? वो MRI करने को बोला तो हमने MRI किया, तो फिर जब MRI दिखाया उनको, तो उन्होंने बोला कि आप दवाई ले लो, इसी से ठीक हो जाओगे। सर्जिकली एडवाइज नहीं किया। नहीं, पहले तो इट्स अ नहीं वेरी किया। इंटरेस्टिंग केस। MRI में इट वाज मैसिव, विच लेवल? L4 L5, मैसिव L4 L5 डिस्क कोलैप्स, एक्सट्रूडेड डिस्क एंड प्रेजेंटिंग एज ए इनकम्प्लीट क्वाड्रिकोइनस सिंड्रोम, पार्शियल बायलैटरल फुट ड्रॉप, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, सैडल हाइपोस्थीजिया और इनएबिलिटी टू वॉक। MRI, देर वॉज अ फ्री फ्रैगमेंट एंड वी डिड इंडोस्कोपी, वी रिमूव ऑल 2 फ्रैगमेंट्स एंड विच इज वेरी वेल सीन इन द वीडियो। सर्जरी के दौरान बेहोश तो नहीं थे? नहीं सर, अब कैसा लग रहा है? अब तो मैं आपके सामने हूँ सर। बढ़िया, बैक हाँ टू सर। लाइफ, यस सर। चल के दिखाओ। आ सर जाओ। ऐसे अगर मैं सर्जरी से पहले ऐसे अगर मैं मतलब पहले ऐसे घूमूं तो फिर मैं गिर जाता था। ओके, कम। सो नाउ वी कैन सी, घूमो 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 ये घूमो। देखो सर। नाउ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नाउ यू कैन सी दिस इज द ऑपरेटिव साइट। सो डॉक्टर, अब इनका वो कैसा है, फुट ड्रॉप? फूड ड्रॉप सर बिल्कुल ठीक है, पहले पैर चलाओगे? बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। ये देखो। गुड, नाउ वन कैन सी इट वॉज अ पार्शियल फुट ड्रॉप, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, नाउ ही कैन वॉक ऑन हील्स। दोनों पैरों में ताकत कम थी, फुट ड्रॉप बेहतर हो गया। तो मिराज, कैसा लग रहा है, लाइफ कैसी है? बैक अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बैक टू। यस टू नॉर्मल। सर। 4 महीने तुमने खराब किए हाँ सर। और यू आर लकी कि इनकम्प्लीट क्वाड्रिकोइना था, हाँ सर। और क्विकली आपके दोनों फुट ड्रॉप रिकवर कर गए, और जो ब्लैडर अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है भी, वो भी रिकवर कर जाएगी। तो एंडोस्कोप क्यों ऑप्ट किया, ऐसा क्या लगा कि मैं एंडोस्कोपी कराऊंगा? सर एक तो रिकवरी अर्ली, और दूसरा कि इंसान देख रहा है कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है अभी। आपको लगता है आपने बहुत टाइम वेस्ट किया श्रीनगर में, अनंतनाग में? हाँ सर। मतलब ये सर्जरी नेक्स्ट डे हो जानी चाहिए थी। हाँ सर, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर साहब के पास जाता था तो वो खाली दवाई देता था। ओके, नाउ इट्स अ मैसेज, क्वाड्रिकोइनस सिंड्रोम इज एन इमरजेंसी, मतलब दोनों पैरों में ताकत का कम हो जाना, पार्शियल फुट ड्रॉप से लेके कंप्लीट पावर जीरो हो जाना, सैडल हाइपोस्थीजिया, लॉस ऑफ यूरिनेशन, लॉस ऑफ डेफिकेशन, दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वाड्रिकोइनस सिंड्रोम। ही वॉज हैविंग अ लिटिल पावर, लेकिन देर से आए, आफ्टर अराउंड 4 मंथ्स, बट लकली एवरीथिंग इज रिस्टोर्ड बैक। कब जा रहे हैं? कल? हाँ सर। कुछ कहना चाहेंगे श्रीनगर में अपने दोस्तों को यही कि एंडोस्कोप के बारे में? आप देख रहे हैं कि एंडोस्कोप से मतलब एक तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ ऑपरेशन हुआ पीछे या क्या, और दूसरा कि रिकवरी देखो। फास्ट रिकवरी, हाँ, एक जैसे महीने से मैं बेड, पहले बिल्कुल वो क्या। 1 महीने बेड रिडन हाँ सर। हाँ, बिस्तर पे, न्यू लाइफ। तो बोलो ना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय।